हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डीवी 2023 का नॉन टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया था झारखंड जोन में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इंग्लिश एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले भी मैं डीवी का टीचिंग एग्जामिनेशन झारखंड जोन एंड वेस्ट बंगाल जोन से 2023 का जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पैटर्न एंड क्वेश्चन क्या क्या आया था वो मैं अपडेट दे चुकी हूँ। अगर आप लोग मिस कर चुके होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग डीएवी में रिक्रूटेड होना चाहते हो तो ये सारा जो डिटेल्स मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ तो बहुत ही ऑथेंटिक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पैटर्न आती है, किस टाइप का, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो दोस्तों, और प्रिपरेशन जारी रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डीएवी 2023 में जो झारखंड जोन में नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन में इंग्लिश एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन आया था वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था डीएबी झारखंड जोन जी एंड सी से। तो एक्चुअली दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल जोन में तो 2 ईयर से सीबीटी हो रहा है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, बट झारखंड जोन में सीबीटी नहीं होता है दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, आप लोग जानते ही होंगे। तो इससे पहले भी मैं जो टीचिंग स्टाफ्स रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चंस पेपर शेयर किया था मैंने, वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी वो। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आया था फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, लैब अटेंडेंट और अदर्स में, तो यहाँ पे देख लीजिए, जनरल इंग्लिश में फ्रेम द वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आया था देख लीजिए, फर्स्ट जो पूछा गया था दोस्तों, हाइपोथर्मिया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हाइपोथर्मिया पूछा गया है और हाइपरथर्मिया पूछा गया है, ये दोनों से ही फ्रेम द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, मतलब कि ये दोनों का ही, दोनों वर्ड से ही आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना है। तो इसके लिए आप लोगों को मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि बॉडी जो आप लोगों का, मतलब कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कम होना, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। और हाइपरथर्मिया का मीनिंग होता है कि एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्साल्ट और एक्साल्ट। एक्साल्ट होता है रेज, टू रेज एनीथिंग, ओके। और एक्साल्ट, एक्साल्ट मीन्स विन और ग्लोरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए, डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। एक्चुअली डिपेंडेंट का, डिपेंडेंट है एक एडजेक्टिव एंड डिपेंडेंट है ये एक नाउन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि निर्भरशील लोग, डिपेंडेंट पीपल, तो डिपेंडेंट पीपल अगर मैं बोलूँ तो डिपेंडेंट पीपल एक टोटली एक नाउन है दोस्तों, बट डिपेंडेंट पीपल मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि डिपेंडेंट एक खुद एक एडजेक्टिव है दोस्तों। बट डिपेंडेंट पीपल अगर मैं बोलूँ तो डिपेंडेंट का मतलब इट्सेल्फ एक निर्भरशील लोग। ठीक है, पीपल यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंट इट्सेल्फ एक नाउन है एंड इसका मीनिंग है डिपेंडेंट, मतलब कि इसका मीनिंग है, सॉरी, इसका मीनिंग है निर्भरशील लोग। ठीक है, तो डिपेंडेंट हो गया एक एडजेक्टिव, निर्भर, जैसे कि आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, मैं तुम पे निर्भरशील हूँ, निर्भर करना, ठीक है, निर्भरशील होना, इसको कहता है कि डिपेंडेंट, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। बट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट लोग, निर्भरशील लोग। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल सकती हूँ आप लोगों को, जैसे कि ही कॉल्ड द डिपेंडेंट्स, ही कॉल्ड द डिपेंडेंट्स। ठीक है, तो डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का मतलब उन्होंने निर्भरशील लोगों को बुलाया है। ठीक है, तो इस, तो ऐसे मैं बोलूंगी डिपेंडेंट। ठीक है, बट
ही इज डिपेंडेंट ऑन हिम। एक्चुअली ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, और डिपेंडेंट है एक नाउन। ही कॉल्ड द डिपेंडेंट्स, उन्होंने निर्भरशील लोगों को बुलाया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, देखिए, राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। कोलंबो इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। रन लाइक आई डू। प्लीज पार्टेक अ मील। तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी मिस्टेक लग रहा है, एरर अगर है यहाँ पे, आप लोगों को इसको सुधारना होगा, रेक्टिफाई करना होगा, फिर करेक्शन करके लिखना होगा। जैसे कि ये देख लीजिए, रन लाइक आई डू, रन लाइक आई डू। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि आई लाइक टू रन, और आई लाइक रनिंग, ये आप लोग कह सकते हो। ये इसका आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया था दोस्तों, एफर्मेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करने के लिए बोला गया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुछ पूछा गया था। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब पूछा गया था। और नेक्स्ट, राइट एन आर्टिकल ऑन फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नेक्स्ट दो पूछा गया था यहाँ पे, मीडिया फ्रीडम ऑफ रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, और पूछा गया था राइट द फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म पूछा गया था DSLR का, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, और उड़ान और उड़ान, उरे देश का आम नागरिक। एक्चुअली उड़ान और उड़ान का एम है, इट एम्स एक्चुअली टू डेवलप स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट्स टू अलाउ कॉमन सिटीजन्स इजियर एक्सेस टू कॉमन सिटीजन्स। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो इसका जो यहाँ पे एक्चुअली 75th इंडिपेंडेंस डे का, इंडिया का जो 75th इंडिपेंडेंस डे था, उसका थीम था दोस्तों नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया था, राइट एन आर्टिकल ऑन फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने कह दिया आप लोगों को, मीडिया फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। तो लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट के लिए ये सारा सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था। जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ बीकर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कंटेनिंग 3 बल्ब्स, 3 स्विचेस एंड अ फ्यूज कनेक्टेड विथ वोल्टेज सप्लाई। नेक्स्ट जो था, हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हिच अपैरेटस इज रिक्वायर्ड टू मेजर इट। हाउ टू टेस्ट द ऑक्साइड्स व्हिच आर मेड from metals and non-metals, how to prepare MR20 oxalic solution, how will you distinguish between carbonates and bicarbonates, how to find the thickness of a thin metal sheet using screw gauge। ये सारा questions पूछा गया था। Last question था दोस्तों, what is pH, write the pH value of lemon juice, top water and distilled water। तो pH value लिखना था lemon juice, tap water and distilled water का। तो general science से जिन लोग है PRD, TGT और PGT से अगर apply करना चाहते हो, तो ये सारा questions आप लोगों के लिए भी important है general science से। ठीक है, तो
ऐसे ही बहुत सारा जोन का डीएवी का एग्जामिनेशन हो चुका है दोस्तों, अगर मैं कलेक्ट कर पाऊँ आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। प्रिपरेशन अच्छे से लेते रहे, बहुत सारा डीएवी में रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिटन टेस्ट हो रहा है दोस्तों, एंड ये चलता रहेगा प्रोसेस 2 to 3 months तक। तो एक्चुअली स्पेशली यही 15 days में बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा, मेजर रिक्रूटमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा, मैं और भी बहुत सारा डिटेल्स अपडेट दूंगी यहाँ पे रिगार्डिंग टीचिंग रिक्रूटमेंट एंड इट्स एग्जामिनेशंस। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।